बीड़ी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां तीन अलग अलग सेगमेंट विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए लेकर आते हैं। आज इस कार्यक्रम में जहां हम सबसे पहले बात करेंगे देसी गाय पालन की, तो वहीं मिलवाएंगे आपको एक सफल किसान अमृत सिंह से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं एक विशेष रिपोर्ट के साथ। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने देश भर में खाद प्रबंधन की पहल को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायक कंपनी MRIDA का शुभारंभ किया। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी MRIDA लिमिटेड का शुभारंभ दिल्ली में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बाल्यान, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव अतुल चतुर्वेदी, NDDB के अध्यक्ष मिनेश शाह, मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव वर्षा जोशी एवं मंत्रालय के अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि गोबर आधारित खाद के उपयोग को बढ़ावा देने से धीरे धीरे रासायनिक उर्वरकों को जैविक खाद में बदल दिया जाएगा, जिससे आयात पर भारत की निर्भरता कम होगी। आज NDDB के द्वारा गोबर के आधार पर काम करने वाली कंपनी को लॉन्च करना, ये अपने आप में एक नई दिशा खोलने का प्रकल्प शुरू हुआ है। अब हमारी उम्मीद तो इस कंपनी को वर्ल्ड लीडर के रूप में देखने का मेरा सपना है, और मैं मानता हूं कि बहुत जल्दी हो जाएगा। आज मैंने जैसे जिक्र किया था, गुजरात में जकरिया गांव में NDDB के द्वारा ही एक सक्सेसफुल मॉडल की तो स्थापना हो चुकी है, मगर वो अभी एक दो गांव पर सीमित है। और भी कई गांवों में उसको आगे बढ़ाने का प्रयास NDDB के द्वारा चल रहा है। बनास डेयरी ने अपने आप में इसको काम में आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। NDDB के द्वारा ही वाराणसी में डेयरी को चलाने में गोबर के आधार पर ऊर्जा पैदा करके डेयरी के प्रोसेसिंग में जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो गोबर के जरिए पूरा करने का काम भी शुरू कर दिया है, और ये शायद एक दो महीने में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अभी शुरुआत है, मगर मेरा आप मीडिया के बंधुओं से अनुरोध ये है कि गोबर, जिसको हम आज तक कचरा मानते थे या गंदगी का कारण मानते थे, वो आज से धन कमाने का और धन पैदा करने का कारण बनेगा। इस दिशा में ये प्रयास का महत्व है, और वेस्ट से वेल्थ का हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है उसकी पूर्ति करने की दिशा में भी इस काम को हम मान सकते हैं। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। पशुपालन का भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। भारतीय लोग सदियों से देसी गाय पालन करते आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में तो देसी गाय पालन की ओर लोगों का और भी रुझान बढ़ा है, और साथ ही देसी गाय के दूध की मांग भी बढ़ी है। तो आइए देखते हैं देसी गाय पालन से जुड़ी एक रिपोर्ट।
भारत में पशुधन की कुल संख्या 53 करोड़ से भी ऊपर है। इनमें 19 करोड़ से ज्यादा गाय हैं। इनमें भी देसी गायों की संख्या 14 करोड़ के आसपास है। हमारे देश में गाय की 26 अच्छी नस्लें पाई जाती हैं। देसी गायें 3 तरह की हैं: दुधारू, ड्राफ्ट और दोहरे उद्देश्य वाली। गिर, लाल सिंधी, साहिवाल और देवनी दुधारू नस्ल की गाय हैं और अधिक दूध देने वाली होती हैं। दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल दूध के साथ साथ भार वहन का काम भी करती हैं। इनमें हरियाणा, ओंगोल, थारपारकर और कांकरेज का नाम लिया जा सकता है। इसी तरह ड्राफ्ट नस्ल की गायें कम दूध देने वाली होती हैं, लेकिन बैल शानदार भार वहन क्षमता वाले होते हैं। नागौरी, मालवी, केलरीगढ़, अमृत महल, खिलारी और सिरी इसी तरह की नस्लें हैं। देसी गायें सदियों से हमारे ग्रामीण जीवन का हिस्सा रही हैं और अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी। इनसे मिलने वाला A2 प्रकार का दूध न सिर्फ पोषक तत्वों से भरपूर है, बल्कि मधुमेह से लड़ने में मददगार भी, जबकि गोबर का इस्तेमाल प्राकृतिक खाद के रूप में होता है। अगर आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तब तो देसी गायें रखनी ही होगी। गांवों में ज्यादातर किसान पारंपरिक तरीकों से पशुपालन कर रहे हैं। ज्यादा मुनाफे के लिए व्यवसायिक तरीके अपनाने होंगे। आप चाहें तो 5 या 10 गायों से शुरुआत कर सकते हैं। गिर, साहिवाल, लाल सिंधी और हरियाणा नस्ल की एक गाय को कम से कम 10.5 वर्ग फुट जगह चाहिए। व्यावसायिक रूप से गौपालन के लिए गौशाला शहर के नजदीक होनी चाहिए और आसपास आहार की उपलब्धता आसानी से होनी चाहिए। जल भराव से बचने के लिए बाड़े को थोड़ा ऊंचा रखें, साथ ही उसमें बारिश, गर्मी और सर्दी से बचने के इंतजाम जरूर करें। अगर गाय भोजन में कम रुचि दिखा रही है तो नमक, गुड़ या खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे, गाय को सड़ी गली चीजें बिल्कुल भी नहीं देनी है। चारे में अचानक बदलाव ना करें, बल्कि पहले से दिए जा रहे चारे में नया चारा थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं और बाद में इसे पूरी तरह रिप्लेस कर दें। हरे और सूखे चारे को साथ मिला कर दें, इससे पेट में गैस भी नहीं बनेगी और गोबर भी पतला नहीं होगा। गायों को हमेशा अच्छा आहार दें। इसके लिए 25 से 35 किलो मूंगफली, सरसों या सोयाबीन की खली चाहिए, इतनी ही मात्रा में गेहूं, मक्का या जौ का दाना, 10 से 25 किलो चोकर या दलिया, 5 से 20 किलो दालों के छिलके, 1 से 4 किलो सोयाबीन या उसका छिलका, 1 किलो खनिज लवण और 20 से 30 ग्राम विटामिन ए और D3। पशु आहार बनाने के लिए सबसे पहले खली को बारीक कूट लें, उसके बाद मक्का, गेहूं या जौ का दलिया डाल दें और इसमें चोकर मिलाएं। इस मिश्रण में अब दालों के छिलके मिला दें, फिर खनिज लवण और नमक मिला दें। 50 किलो मिश्रण में 450 ग्राम नमक की जरूरत होगी। इन सब के बाद विटामिन डालें और सबको अच्छे से मिला लें। फिर इसमें बारीक कटा हरा चारा मिलाएं और एक बैग में भर कर रख दें। लीजिए, बन गया पशु आहार। शुरुआत में पशु को थोड़ा सा आहार चखाएं, जबकि दुधारू पशु को उसकी जरूरत के हिसाब से आहार देना है। मान लीजिए आपकी गाय 2 लीटर दूध दे रही है तो उसे 1 किलो पशु आहार खिलाना है। पशु को सुबह या शाम के समय 30 से 40 मिनट तक टहलाना और चराना अच्छा रहता है। पशु को बांधने वाली रस्सी ज्यादा कड़क नहीं होनी चाहिए, वरना घाव का खतरा रहता है। एक पशु का बचा हुआ चारा दूसरे पशु को बिल्कुल ना दे। पशु को तनाव मुक्त रखें और गौशाला की सफाई का ख्याल रखें। पशु पर नजर बनाए रखें। अगर कोई अवांछित व्यवहार दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, इसलिए गायों को रोजाना नहलाएं और उन्हें छायादार जगह पर बांधें। 2 बछड़ों के बीच 12 से 13 महीने का फासला रखें। एक ब्यांत के करीब 3 माह बाद गाय गर्मी में आती है। गर्मी में आते ही गर्भाधान करा दें। दुधारू गायों को दुहने का समय निर्धारित कर लें। ज्यादा दूध देने वाली गाय को 3 बार भी दोह सकते हैं, इससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। गाय को बहुत ज्यादा स्नेह की जरूरत होती है। मारने पीटने या सख्ती से पेश आने पर वो दूध सोख लेती है। दूध दोहने वाले शख्स अपने नाखूनों को बढ़ने ना दें और दोहते समय अंगूठे के छिमी के बीच में ना रखें, इससे थनैला होने का खतरा बना रहता है। पशुपालन पोषण के साथ साथ कमाई का जरिया है, इसलिए इसे सही तरीके से करें ताकि अच्छा मुनाफा मिल सके। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों,
गांठ बांध लो बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की मिट्टी के मिजाज को समझो मिट्टी के हर रास को समझो मिट्टी की तुम जांच कराओ मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ तभी मुनासिब बीज लगाओ सही किस्म की खाद ले आओ जितनी जरूरी उतनी डालो सही मात्रा खुद पहचानो इसको अपना मंत्र बना लो मिट्टी की सेहत को जानो बात बहुत है काम की कम लागत अधिक वरदान की किसान भाइयों गांठ बांध लो आज ही मिट्टी की जांच कराएं राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप कभी कभी जिंदगी में कोई एक छोटी सी घटना बड़े बदलाव का कारण बन जाती है आइए जानते हैं कि अमृत सिंह के जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके कारण वो प्राकृतिक खेती से जुड़ गए और पिछले 10-11 सालों में प्राकृतिक खेती के जरिए न सिर्फ उन्होंने अच्छी कमाई की बल्कि काफी शोहरत भी हासिल की तो आइए मिलते हैं अमृत सिंह से रसायन युक्त खेती हमारी सेहत को खराब कर रही है कुछ लोग कैंसर की एक वजह इन्हीं रसायनों को मानते हैं हालांकि डॉक्टरों की ओर से इस दावे की पुष्टि होना बाकी है अमृत सिंह का कुदरती खेती की ओर रुझान सेहत से जुड़ी समस्याओं की वजह से ही हुआ दरअसल इनके पिता किसान थे 2011-12 में उन्हें ब्लड सर्कुलेशन में अचानक दिक्कत शुरू हो गई और उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया अमृत सिंह पिता की इस हालत के लिए खेतों में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को जिम्मेदार मानते हैं। उसी दिन से इन्होंने कुदरती खेती करने की ठान ली जो तो पहला केमिकल खेती करते सी केमिकल खेती करने दे विच सानू मतलब के सेहत दी कई समस्याएं आउंदियां सी क्योंकि जो सब्जियां दे उपर जहरीले पेस्टिसाइड या फंगीसाइड असी वरतदे सी तो जिहड़े उन्हां दे अंश सीगे वह तो साडे शरीर चले जांदे सी ते उत्थों मेरे डैडी नूं 2011-12 च एक प्रॉब्लम आई जिदे विच ओह बिल्कुल ही बीमार हो गए जो बीमार होए इन्ने क बीमार हो गए भी उन्हों का जो ब्रेन दियाँ अपनिया ब्लड सर्कल हों मतलब कनैक्शन ही खत्म हो गया सीगा अपना लत्तों का तो बाहों का तो मतलब दिमाग काम करन हट गया सी तो जो उत्थे असी डॉक्टर साहब नूं मिले अमर होस्पिटल दे विच भी मिले रजिंद्रा च PGI भी चले गए तो उत्थे सानूं पता लग्या भी जिहड़े इन्ने खतरनाक पेस्टिसाइड असी खेतों के पाने ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਫਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੈਵਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੱਧੇ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਕਣਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਗੰਨਾ ਹਲਦੀ ਮਿਰਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਾਲੇ ਪਾਊਡਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਲੂਣ ਅਤੇ ਚਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ शुरुआत इन्होंने गेहूं से की और फिर प्राकृतिक तरीकों से सब्जियां, मसाले और दूसरी फसलें भी उगाने लगे आज इनके खेतों में हल्दी भी है मशरूम भी धान भी और गेहूं भी लेकिन मुख्य फसल गन्ने की है एक तो लंबियां फसलां ने कुदरती खेती करनिया सौखियां ने क्योंकि गन्ने ते हल्दी नूं नदीन वगैरह की समस्या नहीं आती जदों नदीन होने वाला हुंदा है तो असीं उहनूं मलचिंग के रूप च बैड बना के मलचिंग कर देने आ तां उत्थे उह नदीन कंट्रोल हो जांदा है क्योंकि जदों साडा खेत दे विचों नदीन कंट्रोल हो गया ना साडा हरबीसाइड जे आपां कैमिकल खेती करदे आं तां उहदे च हरबीसाइड पाउंदे आं जे नैचुरल करदे आं जां कुदरती करदे आं तां उहदे विच सानूं गुड़ाई करनी पैंदी है गुड़ाई साडी कॉस्टली पै जांदी है जदों असीं मलचिंग कर दिंदे आं तां सानूं पानी दी भी घट जरूरत पैंदी है ते पानी दी जरूरत घट पैण करके साडा लेबर खर्चा भी बच जांदा है फसल बिल्कुल तंदुरुस्त हुंदी है जिन्ना कु उहनूं मॉइस्चर चाहिदा है उह उन्ना खेत मेनटेन रखदा है ते साडी फसल है जिहड़ी उह बंपर हुंदी है मतलब कैमिकल खेती नालों असीं 50-55 हज़ार गन्ने ते हल्दी दी खेती चगे हाँ ते जे आपां गन्ने दी गल करिए हुण जिवें हल्दी दी कीती गन्ने दे विच पहलां असीं उहनूं सीड दे रूप च भी सेल कर दिंदे हां
फिर साढ़े इतों फार्म तो 20 रुपए गन्ने दे पर पीस 30-50 गन्ने मतलब कि साढ़े कस्टमर खेत तो आके लै जाते हैं। हुण असी उहदा गुड़ बनाया है फरवरी मार्च मतलब फरवरी दे विच साढ़ा गुड़ बन गया। असी उहदे विच 6-7 फ्लेवर बनाए ने, सिंपल गुड़ हो गया जिवें शक्कर हो गई ते उहदे विच मसाले वाला गुड़ हो गया। जदों असी मसाले वाला गुड़ बनाया जिहड़ा उह रोटी नाल जदों अपने जिवें पुरानी रवायत है जां साडा सभ्याचार है उहदे विच जिवें आपां फेमस भी है पंजाब दी डिश भी मक्की दी रोटी सरों दा साग नाल गुड़ ते लस्सी जदों इन्हां दा कॉम्बीनेशन करदे आ तां इवें लगदा भी जिहड़ा दुनिया दा आनंद है उह घर दे विच ही है। सानूं कितें महंगे होटलों ते जां 5-star होटलों ते जाण दी जरूरत नहीं पैंदी क्योंकि जिहड़े स्वाद सानूं उत्थों मिलदे ने साडे घर नालों वध स्वाद कितें खाणा नहीं मिल सकदा। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। प्राकृतिक खेती में जैव विविधता बहुत जरूरी है, यही वजह है कि अमृत सिंह के यहाँ पशुपालन भी हो रहा है और मधुमक्खी पालन भी। यहाँ फूलों की खेती भी हो रही है और फलों की भी। बेहतर कमाई के लिए अमृत सिंह प्रसंस्करण का सहारा ले रहे हैं। ये गन्ने का गुड़ और शक्कर, सरसों का तेल और हल्दी का पाउडर बनाते हैं। जे सरों की गल करिए, जिहड़ी सरों की फसल है साडी, पहला उहनूं असीं साग दे रूप च बेचदे आ, फिर उह बीज दे रूप च विक जांदी है, फिर उस तो बाद प्रोसैसिंग जदों करदे आ तेल दे रूप च विकदी है। जदों असीं तेल कढ़दे आ सानूं जिहड़ी घर दे विच पशुआं नूं पाउण वाली खुराक है खल दे रूप च सानूं उह सरों तों प्राप्त हो जांदी है ते साडे दुद्ध ते भी कम मतलब कि हो गया भी सानूं दुद्ध भी शुद्ध रूप च मिलण लग गया नैचुरल। ते उस तों बाद जे हल्दी की गल करिए, पहला हल्दी साडी बीज दे रूप च विकदी है, उस तो बाद फिर वो प्रोसैसिंग करके जिहड़ा पाउडर बनता है, पाउडर बना के फिर असीं अपने उन्हूं रख लैंदे आ ते वो अपने जिहड़े कुछ घर तो विक जांदा कुछ बरनाले दुकान तो विक जांदा। अमृत सिंह का अपना आउटलेट भी है जिसमें प्राकृतिक तरीके से उगाई सब्जियां, फल और दूसरे उत्पाद बिकने के लिए रखे हैं। ये शनिवार को ही खुलता है, इसी दिन लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद लेते हैं। अमृत ने अपने किसान दोस्तों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया है। एक अपनी दुकान बनी हुई है बरनाले कुदरती किसान हट के नाँ पर, वो असी सैचरडे ओपन करते हैं। सैचरडे दे विच साडे नाल जिन्हें भी साडे मित्र दोस्त जां जिहड़े आपां कह लईए भी कस्टमर ने जिहड़े जुड़े हुए ने उहनां नूं असी अपना समान उत्थे शनिवार नूं पहुँचाउने आ दुकान ते, तो उत्थों आ के वो लै जांदे ने ते उत्थे साडा एक ग्रुप बनिया हुआ, ग्रुप दे विच कम करदे आ। जिहड़ियां चीज़ां मैं पैदा करदा उह दूजा फार्मर नहीं करदा, जिहड़ा असी करदे आंगे मतलब जिहड़े उह करदे ने असी उहनां नालों वक्खरियां चीज़ां पैदा करदे आ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੋ ਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਨਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾ ਤਰੀਕਾ ਨਯਾ ਹੈ, ਯਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਗੋ ਕੋ ਸ਼ੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਤੀ। हमने 2016 में जैविक खेती की ट्रेनिंग देके उनको हमने जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया और उसके बाद हमने उनको वर्मी कंपोस्ट के लिए अलग ट्रेनिंग दी, फिर और भी डिफरेंट जो ट्रेनिंग्स हैं हमने उनको सिखाया और 2016 से वो जैविक खेती कर रहे हैं, जिसमें हमने उनको ये बताया कि अगर आप राइस और वीट से अलग जाते हैं, जैसे कि अगर वेजिटेबल की फसल करते हैं या गन्ने की फसल को उगाते हैं या सरसों की फसल को उगाते हैं, तो उसमें हमें जो है फार्म से आमदन ज़्यादा मिलेगी। तो उन्होंने इस चीज़ को अपनाया और आज वो अपने खेत में 3 मेजर फसलें करते हैं, एक है गन्ना, दूसरा है हल्दी और तीसरा है सरसों, और बाद बाकी जो बचा हुआ उनका क्षेत्रफल है उसमें वो सब्जियों की खेती करते हैं। उनको हमने ये बताया कि अगर हम इंटरक्रॉपिंग के साथ अगर सारी फसलों को एक खेत में करते हैं इंटरक्रॉपिंग की तरह, तो उसमें हमें वीड मैनेज करने में भी बहुत आसानी होगी, पानी की भी सेविंग होगी और जो स्पेस है हमारा पर यूनिट एरिया में बहुत ज़्यादा जो है फसल ले करके नंबर ऑफ़ फसल्स हम बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमारे जो ऑर्गेनिक फार्म के जो प्रोडक्ट हैं उनकी जो है डाइवर्सिटी भी बढ़ जाएगी।
कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे लेकर अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में और देखते हैं कि किसान किस तरह से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि। सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है, इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो अहम जानकारियां आपको दी गई है, हमें उम्मीद है कि वो आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होगी। अगर आप इस कार्यक्रम को दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।
इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।